तो हे दोस्तों, वेलकम टू द बोलबाला। चलिए देखते हैं आज की टॉप 5 क्रिकेट की खबरें। खबर 1, दोस्तों पहली और बड़ी खबर है कि पूरी तरह से एक तरफा हुए कल के इंडिया वर्सेस श्रीलंका मैच में इंडिया ने एशिया कप फाइनल की लगभग कॉपी की। टॉस हारकर पहले बैटिंग करते इंडिया ने शुभमन गिल के 92, विराट कोहली के 88 और श्रेयस अय्यर के 82 रनों के चलते 50 ओवरों में 8 विकेट गंवाकर 357 रनों का पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा किया। उसके बाद मोहम्मद सिराज के पावर प्ले में 3 विकेट्स और मोहम्मद शमी के वर्ल्ड कप में रिकॉर्ड 3रे 5 विकेट हॉल की बदौलत श्रीलंका की पारी 19.4 ओवर में केवल 55 रनों पर ख़त्म कर 302 रनों से दमदार जीत हासिल की। साथ ही इंडिया ने वर्ल्ड कप में रनों के मामले में अपनी सबसे बड़ी जीत हासिल की। आज अफगानिस्तान वर्सेस नीदरलैंड मैच चल रहा है। दोनों टीमें मैच में जीत हासिल कर सेमीफाइनल में क्वालिफाई करने की अपनी उम्मीदें जिंदा रखना चाहेगी। खबर 2, अगली बड़ी खबर है कि ऑस्ट्रेलिया के आक्रामक और अहम ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल को गोल्फ कार्ट से गिरने से चोट लगी है। इस वजह से वो 4 नवंबर को इंग्लैंड के खिलाफ मैच से बाहर हो गए हैं। ऑस्ट्रेलियाई हेड कोच एंड्रयू डोनाल्ड ने मैक्सवेल की चोट पर कहा है कि क्लब हाउस से टीम बस की ओर लौटते समय ग्लेन मैक्सवेल कार्ट के पीछे से उतरने के दौरान चोटिल हो गए। उन्हें सर पे चोट लगी है। कनकशन के दौरान उन्हें प्रोटोकॉल से गुजरना होगा, इसीलिए वो इंग्लैंड के खिलाफ मैच मिस करेंगे। खबर 3, इंग्लैंड के ऑलराउंडर प्लेयर डेविड विली ने इस वर्ल्ड कप के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट लेने की अनाउंसमेंट की है। साथ ही उन्होंने कहा है कि इस फैसले का इंग्लैंड के वर्ल्ड कप में चल रहे खराब प्रदर्शन से कोई लेना देना नहीं है। विली फ्रेंचाइजी क्रिकेट खेलते रहेंगे। विली ने अब तक इंग्लैंड के लिए खेले 70 वनडे मैचेस में 94 और 43 T20 मैचेस में 51 विकेट्स लिए हैं। खबर 4, इंजरी से बेहाल न्यूजीलैंड टीम में काइले जेमिसन की एंट्री हो गई है। बुधवार को हुए साउथ अफ्रीका के खिलाफ मैच में मैट हेनरी और जिमी नीशम इंजर्ड हो गए थे। मैट हेनरी पाकिस्तान के खिलाफ मैच से बाहर हो गए हैं। उनके बैकअप के तौर पर काइले जेमिसन को न्यूजीलैंड टीम में शामिल किया गया है। साथ ही खबर है कि लोकी फर्ग्यूसन चोट से सवर गए हैं। शनिवार को होने वाले पाकिस्तान के खिलाफ मैच में वो खेलते दिखाई दे सकते हैं। खबर 5, ग्लेन मैक्सवेल के बाद ऑस्ट्रेलिया को एक और बड़ा झटका लगा है। ऑस्ट्रेलिया के इनफॉर्म ऑलराउंडर मिचेल मार्श अचानक वर्ल्ड कप छोड़कर ऑस्ट्रेलिया वापस चले गए हैं। वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया के आने वाले मैचों में मार्श खेलते दिखाई नहीं देंगे। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने कहा है कि पर्सनल रीजन की वजह से उन्होंने वर्ल्ड कप छोड़ने का फैसला लिया है। मिचेल मार्श की जगह ऑलराउंडर कैमरन ग्रीन को उनकी जगह टीम में खिलाया जाएगा। तो दोस्तों, ये थी आज की टॉप 5 क्रिकेट की खबरें। ऐसी क्रिकेट अपडेट्स पाने के लिए वीडियो पर लाइक, कमेंट्स और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।